साल 2013 के आगाज में दुनिया के छठे बड़े मुल्क की महीशत, हुकूमती तरजीहात और मालियाती नज़्म व ज़ब्त की अदम मौजूदगी के बायस बिजली के बहरान का शिकार थी। घरेलू और सनती शोबे के लिए 12 से 15 घंटे तक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा थी। बिजली की तलब और रसद में तकरीबन 6000 मेगावाट का फर्क पैदा हो गया था। मुल्क भर में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी और मुस्तकबिल में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। बिजली साजी के शोबे में मई 2013 एक अहम मोड़ साबित हुआ और नई हुकूमत ने आते ही बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना शुरू किया और इसकी जिम्मेदारी वजारत पानी और बिजली को सौंपी गई। नई हुकूमत ने बाकायदा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत बिजली बनाने के तमाम वसाइल को ग्रुएकार लाने का फैसला किया। साथ ही साथ मौजूदा वसाइल से कम लागत में बिजली बनाकर कौमी ग्रिड को फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो थी। 2013 की जो एनर्जी पॉलिसी थी उसमें बहुत बुनियादी तब्दीलियां सेक्टर में हम लाए। हमने एक तो इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर जो है डिटरमिन किया, जिसमें जो सबसे सस्ती बिजली जो प्लांट्स पैदा करते थे सबसे पहले हम उनसे बिजली लेके अपने सिस्टम में उसकी तरसील करते हैं। दूसरा, जो इनएफिशिएंसी थी वो हमने अपने सिस्टम से दूर की। जो इमीडिएट उसका फायदा ये हुआ कि सार्फीन को 171 अरब रुपए का पिछले दो साल में कीमतों में फायदा हुआ है। उसका जो सेकंड फेज ये है कि हम अपना एनर्जी मिक्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। इम्पोर्टेड तेल के ऊपर इनसार हम खत्म कर रहे हैं। एलएनजी, कोयला, बगास, सोलर, विंड, हाइडल इन और न्यूक्लियर, इन रिसोर्सेज के ऊपर हम ज़्यादा इनसार बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारी ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम होगी और कीमतें जो है सार्फीन के लिए नीचे आएंगी। यूं पानी साल 2013 के आगाज में दुनिया के छठे बड़े मुल्क की महीशत, हुकूमती तरजीहात और मालियाती नज्म व ज़ब्त की अदम मौजूदगी के बायस बिजली के बहरान का शिकार थी। घरेलू और सनती शोबे के लिए 12 से 15 घंटे तक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा थी। बिजली की तलब और रसद में तकरीबन 6000 मेगावाट का फर्क पैदा हो गया था। मुल्क भर में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी और मुस्तकबिल में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। बिजली साजी के शोबे में मई 2013 एक अहम मोड़ साबित हुआ और नई हुकूमत ने आते ही बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना शुरू किया और इसकी जिम्मेदारी वजारत पानी और बिजली को सौंपी गई। नई हुकूमत ने बाकायदा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत बिजली बनाने के तमाम वसाइल को ग्रुएकार लाने का फैसला किया। साथ ही साथ मौजूदा वसाइल से 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट रोशन पाकिस्तान की तामीर में एक अहम सतून की हैसियत रखता है। ये बात इंतहाई बायस मुसर्रत है कि शबरोज की अनथक मेहनत के बायस ये प्लांट दो साल की इंतहाई कलील मुद्दत में तकमील के मराहिल तय करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुका है, जिसमें बिजली की ट्रांसमिशन का निजाम और कोयले की प्लांट तक रसाई के लिए रेलवे ट्रैक की तामीर भी शामिल है। ये जो आप मंसूबा यहाँ पे देख रहे हैं, कोई जानता था कि ये 22 महीनों में बन जाएगा? मैं 2015 में आया था यहाँ पे जुलाई में, और यहाँ बिल्कुल एक चटियल मैदान था, कुछ नहीं था वहां पे उस, और अभी 22 महीने की बात है। 22 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह जिस जज्बे के साथ काम हुआ है वो उस जज्बा इस बात का मुतकाजी है
कि यहां पे जितने भी पाकिस्तानी और चाइनीज स्टाफ है या वर्कर्स हैं उन सबको एक महीने का बोनस दिया जाएगा। ये थर है, बेआबो गया नजर आने वाला ये सहरा, पाकिस्तान में कोयले का सबसे बड़ा जखीरा अपने अंदर समोए हुए है। थर कोल फील्ड कई दहाइयों से अदम तवज्जो का शिकार रहा। मौजूदा हुकूमत ने थर के कोयले से बिजली बनाने के तारीखी इकदाम का संग बुनियाद रखा और इसे पाक चीन इक्तसादी राहदारी का हिस्सा बनाया। थर में बिजली बनाने के 2000 साल 2013 के आगाज में दुनिया के छठे बड़े मुल्क की मईशत, हुकूमती तरजीहात और मालियाती नज्म व ज़ब्त की अदम मौजूदगी के बायस बिजली के बहरान का शिकार थी। घरेलू और सनती शोबे के लिए 12 से 15 घंटे तक की ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा थी। बिजली की तलब और रसद में तकरीबन 6000 मेगावाट का फर्क पैदा हो गया था। मुल्क भर में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी और मुस्तकबिल में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। बिजली साजी के शोबे में मई 2013 एक अहम मोड़ साबित हुआ और नई हुकूमत ने आते ही बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना शुरू किया और इसकी जिम्मेदारी वजारत पानी और बिजली को सौंपी गई। नई हुकूमत ने बाकायदा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत बिजली बनाने के तमाम वसाइल को ग्रुएकार लाने का फैसला किया, साथ ही साथ मौजूदा वसाइल से कम लागत में बिजली बनाकर कौमी ग्रिड को फराहम करने की तरफ खुसूसी तवज्जो थी। 2013 की जो एनर्जी पॉलिसी थी उसमें बहुत बुनियादी तब्दीली सेक्टर में। शमसी तवानाई से बिजली बनाना एक और माहौल दोस्त तरीका है। मौजूदा हुकूमत ने बहावलपुर के पास चोलिस्तान के सहरा में कायदे आजम सोलर पार्क के नाम से मुल्क का पहला शमसी तवानाई मरकज कायम किया। कायदे आजम सोलर पार्क में नस्ब जदीद तरीन सोलर प्लेटों से 100 मेगावाट की इब्तदाई कामयाब फराहमी के बाद इसकी सलाहियत को बढ़ाने का फैसला किया गया, जिसकी सरमायाकारी सीपेक के तहत जारी है। इस वक्त इस मंसूबे से 400 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड को फराहम की जा रही है, जो कि 2018 तक 1000 मेगावाट हो जाएगी। इस मंसूबे की बदौलत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिला। झम्पीर, ये सिंध का साहिली सहराई इलाका है। यहाँ ना तो फसलें उगती हैं ना हरियाली, लेकिन यहाँ चलने वाली तेज हवाएं यहाँ का सबसे बड़ा कुदरती खजाना है। हुकूमत ने निजी सरमायाकारी की मदद से इस मुकाम पर हवा से माहौल दोस्त बिजली बनाने का मंसूबा लगाया, जिससे यहाँ के लोगों की किस्मत बदल गई। इस मुकाम पर इब्तदा में 50 मेगावाट के दो प्लांट से 100 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही थी, जबकि इस वक्त 50 मेगावाट के 12 प्लांट्स बिजली पैदा कर रहे हैं, जिनसे 600 मेगावाट तक बिजली कौमी ग्रिड को फराहम की जा रही है। आइंदा साल इसमें 500 मेगावाट का मजीद इजाफा हो जाएगा। अपनी तकमील के मुख्तलिफ मराहिल में चलने वाले इन मंसूबों से मई 2018 तक हवा से बनाई गई 1750 मेगावाट बिजली सारेफीन को दस्तयाब होगी।
हुकूमत ने बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ये भी तय किया कि जहां निजी शोभा आने में हिचकिचाए तो वहां हुकूमत अपने वसाइल से मंसूबे लगाए। 3600 मेगावाट के 3 एलएनजी पावर प्लांट्स इस जमीन में एक तारीखी इकदाम है। इन पावर प्लांट्स की सबसे अहम और नुमाया खसूसियत ये है कि ये 100% सरकारी वसाइल से तामीर किए गए हैं, और दूसरा ये कि इनकी तामीराती लागत की मद में कौमी खजाने को 168 अरब रुपए से जायद की बचत हुई है, जो कि गुड गवर्नेंस और शफाफ टेंडरिंग का मुंह बोलता सबूत है। जिला शेखुपुरा के पास भिक्की के मुकाम पर 1180 मेगावाट के एलएनजी मंसूबे पर 2015 में काम शुरू किया गया। वजीर आला पंजाब की सरपरस्ती में इस मंसूबे की टीम ने जाफिशानी और पेशावराना महारतों की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए महज 18 माह की कलील तरीन मुद्दत में पहली टर्बाइन की तंसीब का काम किया, जिससे कौमी ग्रिड में 717 मेगावाट का फौरी इजाफा मुमकिन हो चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मंसूबा अपनी मुकम्मल गुंजाइश के मुताबिक बिजली की पैदावार का आगाज कर देगा। इतना बड़ा मंसूबा जो माशाल्लाह आज 1100-1200 मेगावाट बिजली फराहम करेगा पूरे मुल्क को, ये सिर्फ 18 महीने में तैयार हो गया है। 18 महीने में तो एक घर नहीं बनता। एलएनजी के दूसरे मंसूबे का आगाज 2015 में झंग के पास वाके हवेली बहादुर शाह के मकाम पर किया गया था, और इस मंसूबे को भी महज 18 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जा चुका है, और इससे कौमी ग्रिड को 760 मेगावाट बिजली की तरसील शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मंसूबा मजीद 500 मेगावाट बिजली की पैदावार का आगाज कर देगा। हर आने वाले महीने में कोई ना कोई मंसूबा जो है वो आज तैयार हो रहा है इफ्तिताह के लिए। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान में रोशनियां वापस लौट रही हैं। एलएनजी का तीसरा मंसूबा बल्लोकी के मुकाम पर लगाया गया है। इसकी पैदावारी सलाहियत 1190 मेगावाट है। इस मंसूबे के फेज वन को भी जाफिशानी और शबाना रोज मेहनत से रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जा चुका है। इंशाल्लाह आइंदा चंद माह में बल्लोकी पावर प्लांट की दूसरी टर्बाइन की तंसीब का मरहला भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इन मंसूबों को ईंधन की फराहमी के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइंस की तंसीब का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। बिजली साजी के साथ साथ एक चैलेंज ये भी था कि बिजली का मौजूदा निजाम 15,500 मेगावाट से जायद बिजली की तरसील नहीं कर सकता था। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू किया गया। तरसीली निजाम का सबसे बड़ा मंसूबा मटियारी से लाहौर तक 4,000 मेगावाट की तरसील की सलाहियत रखने वाली HVDC लाइन स्टेट ग्रिड ऑफ चाइना की सरमायाकारी से लगाई जाएगी, जो इस नौयत की पहली लाइन होगी। दिसंबर 2016 में इसके तामीरी मुआहदे पर बीजिंग में चारों सूबों और विफाक के नुमाइंदों की मौजूदगी में दस्तखत हुए। मुल्क में एटमी बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक जामे लाहे अमल तरतीब दिया है, जिसके तहत साल 2030 तक 8,800 मेगावाट एटमी बिजली सिस्टम में शामिल होगी। इस जमन में 2200 मेगावाट के कैनप 2 और कैनप 3 एटमी बिजली घरों की तामीर का आगाज किया जा चुका है, जबकि दीगर 5 एटमी बिजली घरों की मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी जा रही है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के तौसीई मंसूबे के अमल में तेजी लाई गई। इसके यूनिट 3 से अक्टूबर 2016 में 340 मेगावाट मजीद बिजली की फराहमी शुरू हो चुकी है, जबकि इस तौसीई मंसूबे के यूनिट 4 से मजीद 340 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे में मुल्क में एटमी बिजली की कुल पैदावार 1296 मेगावाट तक जा पहुंचेगी। मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी कहूंगा कि वो इस चैलेंज को कबूल करते हुए मुल्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तंसीब के अमल को तेज करे और अहदाफ से जायद बिजली पैदा करके मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करे।
حکومت پاکستان نے صرف بجلی کے نئے منصوبے ہی نہیں لگائے بلکہ گزشتہ ادوار کی نااہلی کے باعث التوا کا شکار بیمار منصوبے دوبارہ سے بحال بھی کیے ہیں تاکہ قیمتی قومی خزانے کو سکریپ ہونے سے بچایا جا سکے. ان اقدامات کی بدولت آج گدو پاور کمپلیکس اور نندی پور پاور پلانٹ سے مجموعی طور پر 2000 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل کی جا رہی ہے. حکومت کی زیر نگرانی وزارت پانی و بجلی اپنے اداروں کی مؤثر نگرانی میں کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہے اور بجلی کو صارفین تک پہنچانے کے نظام میں بہتری کی وجہ سے اس کی استعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2016 کے موسم گرما میں اسی نظام کے ذریعے 17,340 میگا واٹ تک بجلی بغیر کسی رکاوٹ کے فراہم کی گئی. اس نظام میں توسیع کا بیشتر کام 2017 کے اواخر تک مکمل ہو جائے گا اور 2018 تک نظام میں موجود 90% سے زیادہ رکاوٹیں دور کر لی جائیں گی. بجلی سازی کی شعبے میں پاکستان کی اعلیٰ کارکردگی کا اعتراف بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے اپنی جون 2016 کی سالانہ رپورٹ میں کیا. اس رپورٹ میں پاکستان میں ترسیلی نقصانات پر قابو پانے، توانائی کا بحران کم کرنے اور موجودہ حکومت کی پیشہ ورانہ کاوشوں کو سراہا گیا. بجلی کے بحران پر قابو پانے کے لیے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کلیدی اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے پن بجلی گھر تربیلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت 3400 میگا واٹ ہے. سستی پن بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ حکومت نے تربیلا کے چوتھے توسیع منصوبے پر کام شروع کیا. اس توسیع کے بعد تربیلا سے بجلی کی فراہمی 4800 میگا واٹ ہو جائے گی. برطانیہ، فرانس اور چین کی کمپنیوں کے زیر نگرانی اس توسیع منصوبے سے اگست 2017 تک بجلی کی فراہمی کا آغاز ہو جائے گا. اس کے علاوہ حکومت نے تربیلا کی پانچویں توسیع کے لیے بھی فنڈز کی فراہمی کا انتظام کر لیا ہے جس پر جلد کام کا آغاز ہو جائے گا. گزشتہ دور حکومت میں شروع کیے گئے بجلی سازی کے چند منصوبے عدم توجہی کی وجہ سے ادھورے پڑے تھے. موجودہ حکومت نے آتے ہی ان منصوبوں پر توجہ دی اور ان کی تکمیل پر کام شروع کیا جس کے نتیجے میں 969 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کے نیلم جہلم پن بجلی منصوبے پر بھی کام شروع کروایا گیا. یہ منصوبہ جو ہے یہ اتنے تعطل کا شکار تھا، اس قدر یہ اپنا اس کا برا حال تھا کہ لگتا تھا کہ یہ شاید اب پتہ نہیں اگلے 20 سالوں میں بھی مکمل نہیں ہوگا. یہ پچھلے 3-4 سالوں میں الحمدللہ ایک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے. اب میں مہینے بھی گن رہا ہوں، ہفتے بھی گن رہا ہوں، دن بھی گن رہا ہوں کہ اب دوبارہ انشاءاللہ اب وہ آئیں گے انشاءاللہ اور یہاں آ کے اللہ کے فضل و کرم سے اس منصوبے کا افتتاح کریں گے. اس منصوبے کے لیے کشمیر کے پہاڑوں میں سے ملک کی پہلی 52 کلومیٹر لمبی سرنگ کھودی گئی جو اپنے آپ میں ایک تعمیراتی شاہکار ہے. 2018 میں یہ منصوبہ نیشنل پاور گرڈ کو بجلی فراہم کرنا شروع کر دے گا جس کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ 500 کلو وولٹ کی ڈبل سرکٹ لائنز بچھائی گئی ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی قیادت میں موجود حکومت کی نظر 2018 پر نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل پر ہے. اس لیے حکومت نے کئی ایک منصوبے ایسے بھی شروع کیے ہیں جو 2018 کے بعد مکمل ہوں گے. وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کے حالیہ دورہ چین کے دوران پاکستان اور چین نے ایک اور تاریخی ایم او یو پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت چین پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں دریائے سندھ پر پن بجلی کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کرے گا جن میں دیامیر بھاٹا ڈیم، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور بنجی ڈیم جیسے عظیم و شان منصوبے شامل ہیں.
एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में दरियाए सिंध पर सकरदू से तरबेला तक 60,000 मेगावाट बिजली की पैदावार की गुंजाइश मौजूद है। दासू का ये मंसूबा जो है ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इसके लिए हमने जो है वो फंड्स का भी इंतजाम कर लिया है। ये वो मंसूबा है 4,300 मेगावाट जो कि पाकिस्तान के अंधेरों को दूर करेगा, जो पाकिस्तान के घरों को इंशाल्लाह रोशन करेगा। 2013 में शुरू किया गया रोशनियों का ये सफर 2018 में रुकेगा नहीं बल्कि नई जहतें उबूर करेगा। इतनी तेज रफ्तारी के साथ इन मंसूबों पे काम हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूं और इंशाल्लाह मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि जो वादा किया है कौम से कि हम 2018 में बिजली की किल्लत का खात्मा कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह उस वादे को, उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए, उस पर पूरा उतरने के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूं। साल 2013 के आगाज में दुनिया के छठे बड़े मुल्क की महीशत, हुकूमती तरजीहात और मालियाती नज्म व ज़ब्त की अदम मौजूदगी के बायस बिजली के बहरान का शिकार थी। घरेलू और सनती शोबे के लिए 12 से 15 घंटे तक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल का हिस्सा थी। बिजली की तलब और रसद में तकरीबन 6,000 मेगावाट का फर्क पैदा हो गया था। मुल्क भर में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल थी और मुस्तकबिल में बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। बिजली साजी के शोबे में मई 2013 एक अहम मोड़ साबित हुआ और नई हुकूमत ने आते ही बिजली के मसले पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना शुरू किया।